and welcome to the Kapil Sharma Show. जिंदगी की भाग दौड़ में हम कब बड़े से बच्चे बन गए पता ही नहीं चला। जिंदगी की भाग दौड़ में नहीं, पैसों की मारा मारे में। अरे क्या खजूर है ना, उसकी टीचर ने उसकी जिम्मेवारी लगाई है कि हमको सबको बच्चे बनना है, क्योंकि 25 लाख रुपए की ग्रांट मिल सकती है। इस चक्कर में हम लोग बच्चे बने हुए स्कूल के। अच्छा, मुझे लगा हम भले काम के लिए बच्चे बने हुए। शुक्र भगवान का, लालच के लिए बच्चे बने। डॉटरी, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। मेरी असिस्टेंट है, मैं इसके साथ बैठूंगा। कप्पू के साथ मैं बैठूंगी। चल अपने बाप के साथ जाके बैठ। चल लॉटरी बैठ। मैं अकेले बैठ रही हूँ। अच्छा, तेरे को 37 रुपए की तनख्वाह में अकेले बैठने के लिए देता हूँ? मैं अकेले बैठूंगी। चलो उधर बैठते हैं, इकट्ठे बैठते हैं। मेरा भी काम खराब कराया, बैठे इधर। एक मिनट सुनिए, अच्छे से एक्टिंग करना, क्योंकि मेरे टीचर ने मेरे भरोसे पे आपकी नौकरी लगाई है। चल बैठ इधर फटाफट। बात है, स्कूल का इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर आ गया, आप लोग विश भी नहीं कर रहे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मोटे अंकल। रुक जाइए, हैप्पी बर्थडे मोटे अंकल। बैठो इंस्पेक्टर, आप लोग हैं कौन? हम सब बच्चे हैं। देखिए, आप लोग का तो हम मान भी लें, लेकिन आप बच्चे के नाम पे कुछ ज्यादा बुजुर्ग नहीं है। ये बच्चे ही हैं, हमने 30 साल से देख रहे हैं, ये बच्चे ही हैं। आपको यकीन नहीं आता? नहीं देखो। अच्छा चले चले, कोई नहीं, मान लेते हैं। देखिए, ओहो कितने प्यारी बच्चे हो, सर पे हो जो चोटी है वो। अरे बेटा, आप कौन हो? मैं नर्स हूँ। नर्स? हम आपस में डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं ना, तो इसमें मैं डॉक्टर बनता हूँ, मैं शुरू लाती है, मेरी नर्स बनती है। अच्छा खेलते हैं। ये पीछे जो लड़की बैठी है, आप ये सामने वाले लड़के को ऐसा टुकुर टुकुर क्यों घूर रही हैं? वो मंजिल का रास्ता ये आंखें तय कर रही हैं। अच्छा, उसी रास्ते से पत्थर उठा के मारने मैंने कर रास्ता था। उनका जो भी है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप बाप बेटी के बीच में ना बोले। बाप बेटी? हाँ वो। हाँ बाप बेटी जब डॉक्टर डॉक्टर खेलते ना, तो ये डॉक्टर बनते हैं, इनकी बेटी बनती है। अरे क्या बात हुआ, डॉक्टर डॉक्टर की खेल में डॉक्टर होता है, नर्स होती है, कंपाउंडर होता है, मरीज होता है, तो समझ में आया, बेटी कहां से बीच में आ गई। वाह वाह मोटे अंकल वाह, डॉक्टर आ जाए, कंपाउंडर आ जाए, मरीज आ जाए, ये बेटी आ गई तो सवाल उठाते हैं रेसिस्ट। अजीब से बच्चे हैं आप लोग। आप लोग कोई क्लास टीचर नहीं है क्या? कहां है क्लास टीचर? हमको स्टूडेंट नहीं है, हम यहाँ पर इंस्पेक्टर है, आपको वो ग्रांड सैंक्शन करने आया है। ओह, तो दे दीजिए, माय सेल्फ टीचर। आपको शर्म नहीं आती, आप टीचरों को इतना लेट आई हैं अपने स्कूल में? हेलो, स्कूल में घड़ी नहीं है ना, इसलिए टाइम को पता नहीं चलता है। और आपके हाथ में तो घड़ी है ना? नहीं नहीं, ये तो मेरे घर की घड़ी, घर तो मैं टाइम से पहले ही पहुंच जाती हूँ। खैर, आप खड़ी क्यों हैं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। फिलहाल पढ़ाई कीजिए, चलिए बैठ जाइए। कैसी क्लास है आपकी, सारे के सारे बिगड़े हुए हैं। तो क्या बच्चों के चक्कर में मैं बिगड़ जाऊं? ये क्या चाहते हैं आप? जरा तमीज से बात कर लीजिए, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे जाइए जाइए, हर मर्द यही कहता है और छोड़ के चला जाता है। कैंटीन वाला राम भी पता नहीं, मुझे राम भरोसे छोड़ के चला गया। आप उसे रोइए नहीं, हम हैं ना। तो क्यों हैं आप? आप क्यों हैं? ग्रांट दीजिए और जाइए। अरे ऐसे कैसे चले जाएं? पहले टेस्ट लेंगे, टेस्ट खत्म होएगा तब जाएंगे ना ग्रांट देके। चलिए आप लोग हमें बताइए, चंगेज खान हिंदुस्तान क्यों आया था? चंगेज खान आया था भारत? आया नहीं,
वो नहीं आया जी। नहीं आया था? मन बना था उसका, फिर बाद में चेंज हो गया। हमें हमेशा ऐसा क्यों लगता रहा कि वो आया था? वो न्यूजीलैंड वगैरह गया होगा। चले उसका छोड़े, ये बताइए कि सिकंदर हिंदुस्तान क्यों आया था? ओ अच्छा, बाथरूम करने आया था। ये नहीं, मुझे बाथरूम लगी है, मुझे छुट्टी चाहिए। अरे सुसु लगे तो आपको छुट्टी क्यों चाहिए? जाइए स्कूल के टॉयलेट में, कीजिए वापस आइए। नहीं, पापा ने कहा स्कूल में कोई गंदा काम मत करना। मैंने कब कहा था? पापा है? आप उनके पापा हैं? ओ नहीं नहीं नहीं, वो डॉक्टर डॉक्टर खेलते ना, तो ये उसके पापा बनते हैं। डॉक्टर डॉक्टर में बेटी भी बनती है, पापा भी बनते हैं। तो बनते हैं तो बनते हैं, फिर क्यों बनते हैं? इट्स ए बिग गेम। ऐसे तो आपको सुसु जाने दिया नहीं जाएगा। सबसे पहले आप हमारा जवाब दीजिए सवाल का, ये बताइए कि प्लासी की लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली का कितना हाथ था? इतना। इतना क्या क्या सिखाया आपने इन्हें? मैंने ये सिखाया तुझे? मैंने ये सिखाया? मैंने सिखा था इतना हाथ है, इतना। इतना था। मैडम मुर्गा खड़ा हो गया। ये तो सेट। ये ना, ये आपको बताया पिछली बार इसने अंडा भी दे दिया था और इन्होंने आमलेट बना के खा भी लिया था। अरे बाद में पता चला भी मुर्गा तो अंडा देता ही नहीं। कीप क्वाइट, यू कीप क्वाइट। एम कैरी ऑन, कैरी ऑन। क्या उलझल सिखा रही हैं आप बच्चों को? अरे तो क्या उलझल को बच्चे सिखा दूं मैं? छोड़िए ना, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं। बताइए कुछ लेंगे आप? हाँ एक चाय पिला दीजिए अगर पिला सकते। अभी लेकर आ। ए रुकिए रुकिए। चाय बनाने तुम क्यों जा रहे हो? जी वो क्या, अरे बोलना। चाय से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, चाय से हमें एकता सीखने को मिलती है। जैसे चाय है बनती है, दूध में दूध डाल दो, फिर उसमें चीनी डाल दो, फिर उसमें चाय पत्ती डाल दो, फिर पानी डाल दो, सब कुछ मिला के हमें सीखने को मिलता है एकता भारत माता की। रहने दीजिए रहने दीजिए, इतनी क्रांतिकारी चाय हमको नहीं पीनी है। आप बैठ जाइए अपनी जगह पर। नहीं नहीं नहीं, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए। हाय, अब बताइए कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? तो सीधा सीधा बोलो, दोबारा मुर्गा बन जाऊं मैं। चलिए बताइए कि भारत में कितने राज्य हैं? 12, 12 राज्य हैं। 12 राज्य हैं? हाँ जी। 12 नहीं 29 राज्य हैं। 12 मैंने बताया, बाकी के 22 ये बताएगा ना? अरे अगर बाकी का बताएगा अभी तो 22 क्यों बताएगा? 22 और 12 तो 34 हो गए ना। आप हिस्ट्री पूछने आए कि मैथ्स पूछने आए हैं? हिस्ट्री की बात हो रही है, ज्योग्राफी की बात हो रही है, वो बात कर रहे हैं ना आप? आप लोग में से बताइए कि माय बेस्ट फ्रेंड के ऊपर निबंध कौन सुनाएगा? लॉटरी इज माय बेस्ट फ्रेंड। माय बेस्ट फ्रेंड इज लॉटरी। माय बेस्ट फ्रेंड इज लॉटरी। मेरी फ्रेंड है। लॉटरी मेरी फ्रेंड है, तू क्या बीच में आ रहा? मैं तेरे भी मार देना एक। अरे भाड़ में गई माय बेस्ट फ्रेंड। मैंने पेज खाया ना। भाड़ में गई माय बेस्ट फ्रेंड। आप लोग में से कौन हमें बताएगा कि बल्ब की खोज किसने की? बेटा आप, ओ करली हेयर, वेरी फेयर, बताइए। किसी ने तो की थी, पता नहीं चला प्रॉपर। क्यों पता नहीं चला? वो एक्चुअली सर ना, उधर अंधेरा बहुत था, तो जब लाइट आई तब पता चला कि कोई खोज करके निकल गया, बता के नहीं गया। व्हाट अ लवली आंसर, व्हाट अ लवली आंसर, वेरी नाइस। अंकल जल्दी जल्दी ग्रांट दे दो, हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा चलिए मान लेते हैं, मान लेते हैं कि हम आपको ग्रांट दे दें। क्या करेंगे आप ग्रांट? सर हम कंप्यूटर लगवाएंगे। ओहो आपको कंप्यूटर चलाना आता है? लो सर मैं दोनों हाथ छोड़ के चला लेता हूँ। उसको कंप्यूटर नहीं स्कूटर कहते हैं। मुर्गा बन गया वापस। मुर्गा बन। सर इसको ग्रांट मत दो, हमको दे दो प्लीज। ग्रांट अगर आपको चाहिए, सवाल का जवाब दीजिए। दूध से क्या बनता है? मेरा तो मुंह बनता है, मम्मी ले कहती ना, मैं बोल देता हूँ। दूध से पनीर बनता है, पनीर। शर्म आनी चाहिए, आप तो बस खाने पीने की बातें कीजिए, बच्चे बेचारे भूखे बैठे, ये नहीं कि ग्रांट दे दूं और जाऊं। अरे आपके बच्चे एक सवाल का सीधा सीधा जवाब दे नहीं रहे, ग्रांट दे दें, ग्रांट दे दें, क्यों दे दें ग्रांट? ए बुजुर्ग बच्चा आप बताइए, राम क्रिकेट खेलता है, इसका फ्यूचर टेंस क्या है? देखो जी राम अगर अच्छा खेलता तो फिर उसने IPL में आ जाना। यहाँ पर तो ग्रांट देना बहुत ही मुश्किल लग रहा है हमें, क्या गवार भरे पड़े हैं आपके स्कूल में। देखो अंकल अभी तक 10 मिनट बीत चुके हैं, आपने हमें कोई ग्रांट नहीं दिया, अभी तक तो हम लोग शांति और सौहार्द का परिचय दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं?
शांति और सौंदर्य। क्या क्या? शांति और सौंदर्य का परिचय दे रहे, लेकिन अगर हम में बवाल आ गया ना, हम आपको जमीन में गाड़ देंगे। हाँ हाँ, गाड़ देंगे, गाड़ देंगे, गाड़ देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं ये? कृषि प्रधान बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं। बस देखिए, आप इसे खेती बाड़ी के बारे में सवाल कीजिए ना, जैसे कि मतलब सो इन सो इन। हाँ तो चलिए ठीक है, खेती बाड़ी का सवाल पूछ लेते हैं। हमें एक बात बताइए, अगर चार आदमी 5 दिन में एक खेत को जोतते हैं, तो 3 आदमी उसी खेत को कितने दिनों में जोतेंगे? वो बिल्कुल नहीं जोतेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो बेचारे टेंशन में होंगे ना, चौथा आदमी आया क्यों नहीं। इतने साल से कोई साथ में खेत जोत रहा है यार, उसकी ये तो सोचो यार, इमोशनल उसको टेंशन नहीं होगी क्या? अच्छा ए, रुक जाइए रुक जाइए, जरा आप जरा बताइए कि आपको और क्या आता है? ये ड्राइंग बहुत अच्छा कर लेती है। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, शर्माओ मत, बनाओ बनाओ, ये डायनासोर अच्छा बना लेती है। हाँ तो बनाइए बनाइए ना, डायनासोर बनाती है, बनाइए बनाइए। ये लीजिए, इधर इधर बना सकती हैं आप। तुम चाहती हो मैं आऊँ तुम्हारे साथ? नहीं कप्पू, तुम बैठो यहाँ पे। वहाँ पे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, डायनासोर है ना। क्या बात है, ये तो अंडा है। हाँ तो डायनासोर अंडा के अंदर है ना। खैर अब मान लीजिए चंदू के पास 100 रुपए हैं। अरे मेरे 20 रुपए वापस कर। तेरे पास कहाँ से आए पैसे? मेरे 20 रुपए वापस कर। मेरे पास नहीं है पैसे यार। इतना मोटा आदमी झूठ बोल सकता है? नहीं है सर, उसके पास डिब्बे देखी है मैंने, है नहीं। मोटे अंकल, सारे के सारे बच्चे पागल हैं आप। अरे आप बच्चे से दूर रहिए, गिर गए तो दब जाएंगे वो। अरे क्या दब जाएंगे? मैडम मुझे कुछ और बना दीजिए, मुर्गा बना बना मैं थक गया हूँ। मैम मेरे पास एक आइडिया है, इसके ऊपर पानी डाल के तरी वाला मुर्गा बना दे। टप्पू, ये क्या नाटक लगा रखा है? नानी 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 नानी, कौन नानी, कौन नानी? जो हम डॉक्टर डॉक्टर नहीं खेलते, मैं ये नानी बनती है। नानी ये हमारी हमारी पीटी 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 टीचर है। अच्छा पीटी टीचर हैं आप, अच्छा अच्छा, आपको पीटी के बारे में क्या पता है? क्या पता है बताइए बताइए। पीटी क्या बताऊँ, पीटी हाँ। मैं बहुत पीटती हूँ सच्ची, कल मंदिर के बाहर पीटी थी मैं, उस दिन लोकल ट्रेन में पीटी थी। दरअसल क्या ना, मैं पीटी वुमन हूँ ना, तो इसलिए मैं बहुत पीटती हूँ। चलो बच्चों, पीटी का वक्त हो गया, सब मेरे साथ पीटी कराओ। बच्चन साहब पीटी करेंगे, 1 2 3 है है है, पीछे है, आगे है है, पीछे स्टेज, चारों पीटी है है। मैं तैयार होकर आती हूँ, ठीक है? भाई साहब आप ग्रांट दे रहे हैं, मैं ले लूं? देखिए एक लास्ट चांस देता हूँ मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों को ग्रांट चाहिए ये। तो कोई एक अच्छी सी पोयम वोयम सुनाइए। बैठ के बैठ के सुनाएंगे। इसको बड़े अच्छा लगती है पोयम सुनाती। सुनाइए सुनाइए, जो भी है पोयम आपको आती है सुनाइए। तो सोने सोने पटोले लखा, ए तकदियां रेंदियां अखा, ए दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी, ए दुनिया पित्तल दी, ए दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी। ये सब सिखाया है आपने, गाना बजाना अपने बच्चों को है? नहीं नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं सिखाया था। मैंने ये सिखाया था, मैंने जो सिखाया था वो मैं बताती हूँ अभी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, अप अबव द वर्ल्ड सो लाइक अ डायमंड इन द स्काई, हो इन द स्काई, हो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हो हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, हो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हो हाउ
आप में कुछ बात तो है। मैं बच्चों में वो बात नहीं। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं आखिर में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर लाइक अ डायमंड इन द स्काई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार Like a bundle, oh, but you are oh, like a diamond in the sky, oh. Very good. वाह वाह वाह, मानना पड़ेगा कि आप में कुछ बात है। मेरे सब बच्चों को पोइम आती है, इनको भी आपको आपको आती है घुंघराले बाल? बहुत ज़्यादा आता है। अब मेरे साथ मेरे इस पॉइंट में साथ देंगे मशहूर डॉक्टर गुलाटी, वे फालतू आदमी और सब आर्टिस्ट। ओके, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर फील द लॉन्ग बाउंड ऑन दिस स्काई अगली गर्मी मुझको आई तर पम 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 तर पम 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 देखिए आपके बच्चे जो हैं मजेदार तो हैं मानना पड़ेगा। जी जी। तो लीजिए जो ग्रांट आप लोगों के स्कूल की बनती है वो हम आपको दे ही देते हैं। ये लीजिए 735 रुपए। ये तो 25 लाख थी ना ग्रांट, तो 25 लाख की बात हुई नहीं। हाँ तो 25 लाख है, लेकिन स्कूल भी तो इतने सारे हिंदुस्तान में 3,500-4,000 स्कूल है, सब में डिवाइड होता है। आपके स्कूल के नाम पे 800 आया था, बाकी हम ऑटो में आए, खर्चा हो गया 65 रुपए, तो 735 बचे ले आए। आपको पता है हमारे स्कूल बैग कितने के आए हैं ड्रेसेस मिला के? कितने? अच्छा चलो छोड़ इन बातों में, हम लोग अपना काम करते हैं। वेट हियर आई विल गो नाउ। आप यहाँ आधा घंटा मुर्गा बनाऊं मैं। तो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन ये पूरे 735 आपके हैं। और यहाँ पे फ्री का डांस देख लिया, 700 रुपए का डांस नहीं है मेरा। अरे ये सब क्या है? अरे रुकिए, नहीं ये नहीं है, नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। Good evening and welcome to the Kapil Sharma Show. अच्छा आज मैं आपसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। बहुत सारी फिल्में आती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बहुत अच्छी होती हैं, कुछ ठीक ठाक होती हैं, कुछ बहुत ही बुरी होती हैं। लेकिन हाल ही में एक फिल्म आई मराठी में सायराट, आप सबने देखी है? बहुत अच्छी बात है। और उस फिल्म ने क्षेत्रीय भाषा में होते हुए भी इंडियन सिनेमा में इतिहास रच दिया है। मैं आज आप सबको फिल्म सायराट से जुड़े सब कलाकारों से, उनके डायरेक्टर से, उनकी स्टार कास्ट, उनके म्यूजिक डायरेक्टर सबसे मिलवाना चाहता हूं। फिलहाल जिनको मैं यहां पे आमंत्रण देने जा रहा हूं, आपकी जोरदार तालियों के बीच रिंकू राजगुरु और आकाश थोसर। हाउ आर यू? गुड। आपका हमारे शो में सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज यहां पे विराजमान हो जाइए प्लीज। आप हमारा शो देखते हैं? हाँ। हाँ। पक्का? हम तो फैन हैं आपके। हाँ। अरे थैंक यू ब्रदर, पर हम आपके फैन हो गए हैं। इस फिल्म को देखने के लिए लोगों ने मजबूर किया कि आप इस फिल्म को देखने जाओ, और मैं देखने गया। हालांकि मुझे मराठी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती है। 2-4 मिनट के लिए वो फिल्म आपको लगेगा कि वो मराठी में है, उसके बाद आप सबकी हो जाती है। आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छा काम किया। 2 महीने पहले आर्ची और प्रश्या,
आर्ची इनका फिल्म में नाम है और मुझे यही इनके असली नाम लगने लगे हैं। और मैं ये बता दूं, आर्ची ने अभी हाल ही में 10th के एग्जाम दिए हैं। नहीं, नाइन्थ के। नाइन्थ के? आर्ची और प्रशा, 2 महीने पहले तक आपको आपके परिवार वाले, आपके यार दोस्त ही जानते थे। आज मैंने सुना आप बिना बाउंसर्स के बाहर नहीं निकल सकती पूरे महाराष्ट्र में। आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है? बदलाव तो बहुत आए। पहले मैं यहाँ वहाँ घूम सकती थी। एक्चुअली मुझे पानीपुरी बहुत पसंद है, तो मैं इसे पानीपुरी खाने जाती थी। तो अभी हम गाड़ी में से कहाँ जा रहे हैं और बाजू में पानीपुरी है, तो हम मैं कहती हूँ सबको मुझे खानी है, तो सब कहते हैं तू यहाँ रुक, हम तुझे गाड़ी में ला के देते। तो बहुत ऐसे मैं कहाँ घूम नहीं सकती, जहाँ जाती हूँ वहाँ लोग अब पीछे पीछे आ रहे हैं, आर्ची आर्ची 20-30 किलोमीटर फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा भी लगता है और कभी कभी लगता है अरे मैंने क्यों फिल्म की। तुम्हें पता ही नहीं लोग कितनी मारा मारी यहाँ पे हो रही है। मुंबई में लोग 60,000 स्ट्रगलर्स उतरते हैं कि फिल्मों में अपना भाग्य आजमा सकें, और आपको ये फिल्म भी अचानक मिली आपको, राइट? अचानक मतलब अब मैं नागराज दादा से यूं ही मिलने गई थी और उन्होंने कहा तू ऑडिशन दे दे, तो मैंने सब मजाक मजाक में किया, कुछ सीरियस नहीं दिया। ठीक है ऑडिशन देने के लिए कह रहे थे तो दे देती हूँ। मैं उन्हें 16 दिसंबर 2013 को मिली थी। तो तब तो और पांचवी छवी में होगी। नहीं उन्होंने मैं उनसे मिली थी तब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, शूट हुआ तब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी। अच्छा अब 10th में जा रही हूँ। कमाल है यार, छोटी सी बच्ची है देखो आज। आपके गांव में अभी तो सब आपके घर पे आते होंगे आपसे मिलने। अभी मैं घर नहीं गई पर है? आते। फिल्म हिट होने के बाद घर नहीं गई? घर वाले छोड़ दिए? छोड़ नहीं दिए, काम में इसके नहीं। तो लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं आपके घर पे इस समय, भीड़ हो जाती होगी ऑब्वियसली। हाँ आते हैं, मैं पहले बाइक सीखी थी ना, इसके साथ सेल्फी निकाल के चले जाते। किस किसके साथ? बाइक। अच्छा जो उसी के साथ फोटो ले रहे हैं? जो घर की बाइक है उसकी। ये प्यार है यार जनता का, मोटरसाइकिल के साथ फोटो लेके निकल रहे हैं, कमाल है। आकाश तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? पर्सनल लाइफ में बहुत चेंजेस आए। मैं अभी जैसे पहले घूमता था बाहर से बंद हो गया पूरा। अच्छा फ्रेंड्स के साथ मस्ती करता था, वो भी नहीं करने मिल रही मुझे। अभी बाहर निकलता हूं तो सिक्योरिटी गरज गरज पर रहे। कमाल हो गया यार, आप लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी एक्चुअली। अच्छा फिल्म में देखा मैंने आर्ची मोटरसाइकिल चला रही है फिर ट्रैक्टर भी चला रही है। वो 15 साल की लड़की को तो ठीक से गोल चपाती बनानी नहीं आती। आपने ये कब सीखा था ये कि फिल्म की जब वर्कशॉप लगती थी तब आपने सीखा ये सब कुछ? हाँ जब शूट था उसके पहले कुछ मुझे ट्रैक्टर ला के दिया और कहा कि तू चलाओ। और आपने चला भी दिया? सीखी। अच्छा फिर चलाया? हाँ तो पहले सीखोगी फिर चलाओगी, पहले चलाओगी बाद में थोड़ी ना सीखोगी। आपने तो कहा चलाया। अच्छा मैंने चलाया ना, किसी पर चढ़ाया तुमने। आकाश ने पूरी फिल्म में बेसिकली इसमें ये दिखाया गया कि एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और जो आर्ची है एक विधायक की बेटी है, तो ये प्यार में पड़ जाता है। तो आपको पता ही फिर क्या होगा, थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, मल्टी मिलियनेयर थप्पड़ इन्होंने मतलब खाए हैं। पूरे अच्छा, फिल्म में मारे खा रहा हूं मैं तो। हाँ मैंने देखा पूरी फिल्म में अपने खाना खाते हो, मैंने नहीं देखा मारी खाई ज्यादा आपने। तो रिटेक आपको याद है कितने हुए थे जब थप्पड़ खा रहे थे, मार खा रहे थे, कितने हजार थप्पड़ टोटल आपने काउंट किए? कोई काउंट तो नहीं किया बट बहुत थप्पड़ खाए। उस दिन मेरा बर्थडे था शायद, मुझे याद है। तो मतलब केक नहीं खाया, थप्पड़ खाए? थप्पड़े खाए पूरे में। तो विच फ्लेवर वाज दैट? वाज वनीला थप्पड़? कौन से लाल वाले थप्पड़ थे पूरे? लाल लाल हो गए थे मेरे। फिल्म में दिखाया कि आर्ची बहुत अमीर फैमिली से है, इनके घर में नौकर चाकर और जमीन और ढेर सारे फार्म हाउस, लेकिन फिर कुएं पे नहाने क्यों जाती थी गांव वाले में? मन करता था। मन करता था? और तुम्हारा तो मन करेगा बिकॉज वो नहाने के लिए। मेरा मन करता है कुएं पे। तो तैरना आपको पहले से आता था कि फिल्म के दौरान सीखा आपने? नहीं मैं स्विमिंग पूल में ऐसे नीचे से जाती थी। अच्छा उस टाइम मुझे कहा कि तुम्हें ऊपर से कूदना है पहली बार, तो मैंने कहा नहीं, फिर पता चला कि कुछ भी करो कूदना है, तो कूदी। फिर कूद गई? कूद गई। टेक्निक होती है एक्चुअली स्विमिंग पूल में कूदने की भी, डाइव मारने अगर आपको तो आपको तरीके से डाइव मारनी होती है। हमारे जैसे पागल होते कई बार ना गांव में, सीधा ही ऐसे ही कूद जाते हैं, तो ये भी नहीं सोचते कच्चा फट सकता है, कभी अगर खुला अंडरवेयर जो पहना रहता है। अच्छा कई लोग तो जो सीधे मारते हैं उनका तो ऊपर चढ़ के ऐसे मुंह पे आ जाता है। तो कई लोग क्या करते हैं जो सीधा डाइव मारते हैं ना, वो फिर अंदर निकल के कच्चा अलग तैर रहा है।
आदमी अलग तैर रहा है, कच्चा अलग तैर रहा है, फिर वो अंदर ही अंदर पानी में ढूंढते हैं कहाँ है, फिर उनको दिखता है ना, फिर उसको पकड़ के फिर यार मतलब गाँव की स्विमिंग तो मजेदार होती है। हमारा ऐसा कभी नहीं हुआ। आपके साथ ऐसा नहीं? कभी नहीं हुआ। आप टाइट वाला पहनते होगे ना? के पहनते नहीं। फिल्म में साफ दिखाया गया कि आपका किताबों में ध्यान कम, एक दूसरे में ज्यादा है। रियल लाइफ में क्या हाल है? मतलब अभी फिल्म हिट होने के बाद पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि छोड़ दिया? कर रहे हो। टेंथ में गई ना। गई ना तो घर तो नहीं ना गई ना? घर नहीं गई पर किताब तो लाए ना। किताब लेके आए हो तो पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही ना? नहीं। तो डिस्टर्ब होने मत देना। मैं वैसे एडवाइस दे रहा हूँ क्योंकि मेरे शो में ना कभी कभी इंटरनेशनल प्लेयर आ जाते हैं, फिर मेरी जो हालत होती है मैं बता नहीं सकता आपको। सीरियसली अब वक्त है उनसे मिलने का जिन्होंने सायराट को सोचा, उसको लिखा, उसको बड़े ही खूबसूरत तरीके से आप सबके सामने बड़े पर्दे पे लेके आए। मैं बुलाना चाहूंगा फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर नागराज मंजुले। बैठिए। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। वो तो आप होंगे, आपकी फिल्म 100 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। सबसे पहले तो हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और दिल से बड़ी खुशी हुई कि इतना अच्छा आपने सिनेमा का रंग रूप चेंज कर दिया एक, बिकॉज इनकी फिल्म में कोई भी एक्टर रिनाउंड नहीं है, कोई स्टार नहीं था, इन्होंने बड़ी ही एक प्यारी सी स्टोरी बनाई और इतनी खूबसूरती के साथ एक एफर्ट किया और लोगों ने आज आपको सर आंखों पर उठा लिया। सर बहुत बहुत मुबारक हो सर। सर सबसे पहले तो सायराट का मतलब मेरे को बताइए क्या होता है? जैसे एकदम मुक्त, एकदम ही स्वतंत्र जो है ना, वाइल्डली फ्री, कोई स्वतंत्र बहुत अपने फ्रीडम का अगर ये कर रहा है तो हम उसको सायराट कह सकते हैं। तो मतलब जो हमारा भारत देश है अंग्रेज सायराट करके गए। हाँ। स्वतंत्र करके गए ना। हाँ बिल्कुल। तो वही इंडियंस आर सायराट। ओके, मेरे को यही समझना था एक्चुअली। अच्छा इस फिल्म के हिट होने के बाद ना आर्ची और प्रशा को बड़ा अच्छा बोनस भी मिला, तो हम ये नहीं पूछेंगे क्या क्या मिला, पर क्या खरीदना चाहोगे आप उस पैसे से? पहले आप बताओ, आर्ची को सोचने का टाइम दो क्योंकि उसके मन में लड़की है ना, शॉपिंग चल रही होगी कुछ और लंबी लिस्ट। आपके बाद देर से आता हूँ, आप बताओ आप क्या करोगे? बहुत कुछ करूँगा वैसे तो, मतलब एक तो वो जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो वो खरीद लो, मैं कहता हूँ। इतना बड़ा भी नहीं कुछ खरीदना मुझे। अच्छा इतना भी बोनस नहीं मिला है। क्या करेंगे फिर? बेसिकली छोटा सा घर करूंगी वहाँ खुद का। ओके। गाड़ी होगी बस। हाउ स्वीट यार, बड़ा अच्छा लगता है जब आप इतनी मेहनत करते हैं और उसका फल मिलता है, तो ये तालियां बनती हैं इस बात के लिए। आप क्या करेंगे आरती? नहीं पता हैं? नहीं पता। गिने के ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये बताओ पहले, देख लेना कोई फटा नोट ना निकले बीच में, चेक कर लेना। नहीं अभी सोचा कुछ नहीं है। किताबें खरीद ली अभी 10वीं की। पहले तो किताबें खरीदेगी, 10वीं में गई अभी। तो ऐसा कोई प्लान नहीं है? नहीं। आर्ची और परशा के साथ इनके दो फ्रेंड्स थे साले और प्रदीप, वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, ये दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं इनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। प्रदीप साले आप प्लीज ऊपर आइए। आइए बैठो, इधर इधर अपने घर है। अच्छा मैं आपको बता दूं, इन दोनों ने भी कभी पहले फिल्म में काम नहीं किया था, तो ये इनकी भी पहली फिल्म है। तो नागराज सर एक बात बताइए, पहले तो आपने सारे नए लोग लिए, बजट की मजबूरी थी कि क्या था, मतलब कि आपको नए लोगों के साथ ही काम करना था? नहीं, नए लोगों के साथ ही काम करना था क्योंकि आप बिलीव नहीं करते कि आर्ची और परशा है और आप इस तरीके के कैरेक्टर को देख रहे हो, ये थोड़ा सा हैंडीकैप टाइप का कैरेक्टर था, तो उसी के लिए ये खुद उस तानाजी जो है तो उसको मैंने कास्ट किया। इनका नाम असली तानाजी है? तानाजी है। पूरा नाम क्या है तानाजी? तानाजी चंगदेव गड़गुंडे। तानाजी? तानाजी गड़गुंडे। गड़गुंडे। गड़गुंडे? मुझे इतनी हंसी आई, एक एक सीन था फिल्म में जब ये तानाजी कैरेक्टर में, इनका नाम प्रदीप है, ये किसी लड़की पे लाइन मार रहा है और इतना ब्यूटीफुली इसने बंदे ने परफॉर्म किया है, वो लड़की ने ना कागज फेंकती है, ये खुद ही फील कर जाता है और पूरी फिल्म में ये धीरे धीरे करके कागज को कैसे आगे ले जाके पूरा अंदर से कि एक लड़की बाद में खोलता है, लड़की ने नाखून काट के फेंके होते हैं। मुझे वो, मैं हंस हंस कर मर गया सर वो सीन देख के, इतना ब्यूटीफुल किया। जाहिर सी बात आपने करवाया, इन्होंने किया, पर बड़ा मजा आया। अरे फिल्म में तो इतना शरारती था, इतना कितना चुपचाप बैठा हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैं गांव में बहुत मतलब वो शादियां होती है ना, शादी में नाचता हूँ मैं बहुत। अच्छा। मुझे पहले से शौक था। तो आपको भी शौक है नाचने का? हाँ, तो अपने दिल से नाचने का शौक है? हाँ। इतना नाचने का शौक है, फिल्म में एक सीन है ट्रेन निकल रही है उसकी आवाज पे नाच रहे हैं। अच्छा वो सीन मैं चाहता हूँ कि
यहाँ पे एक बार दोबारा आप लोग देखना चाहेंगे वो ट्रेन की आवाज से? मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज एक बार वो यहाँ पे रिक्रिएट किया जाए यार। थैंक यू यार। ये होता है, डांस होता है दिल से। कई लोग ना बड़े स्टेप सीख के करते हैं, चेहरे पे होता है कि एंजॉय नहीं कर रहे। कई शादी में देख लो, कई किसी कोई ऐसी भुआ या ऐसी भाभी होती है जिसका दिल नहीं करता नाचने को, ना जबरदस्ती खींच के लाते हैं, नहीं नहीं नहीं, फिर जाके बड़ा वो ऐसे ऐसे मुंह पे करेंगे। ये होता है दिल से डांस। स्टेप कौन सा कर रहे हैं खुद को भी नहीं पता, मजा कर रहे हैं। आप लोग प्लीज अपने वहां पे विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हो जाए इन दोनों के लिए। म्यूजिक की बात चल रही है तो मैं आप सबको उनसे भी मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने सायराट के लिए इतना खूबसूरत म्यूजिक कंपोज किया। कैसे अतुल भाई, कैसे अतुल भाई? बहुत बढ़िया, जोरदार हो जाए तालियां एक बार यार। आइए सर प्लीज। मराठी जो बीट्स होती है मजेदार, जब गणपति होता है ना तो घर पे आदमी कोई भी काम करे ना सोते सोते, तो जैसे बाहर बीट बजती है आदमी अंदर ही अंदर नाच रहा होता है। स्लिप डिस्क करवाने वाला काम है पूरा, मतलब आप इतना मस्ती के साथ नाचते हैं। अब अच्छा भाई बातें होती रहेंगी। अजय भाई एक वो मौली मैंने आपसे सुना था, मौली को हमने सुनना है। वैष्णवांची उभी पंढरिया नादावली, तुझे नाव ओटी तुझे रूप ध्यानी, जीवाला तुझी जरी बाप साऱ्या जगाचा परी तू आम्हाले करांची विठू माऊली, ए माऊली 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 रूप क्या बात है, सुपर्ब। तो ऐसे ही सयाने लोगों ने कहा है कि म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती है। आपको मुझे लिरिक्स नहीं, लेकिन मैं मजा ले रहा था सर, बहुत कमाल का गाया आपने, बहुत। फिल्म अग्निपथ का जो गाना है अभी मुझ में कहीं, भाई मैं सॉरी मैं आपको बार बार तंग कर रहा हूँ थोड़ा सा वजह। एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा आपसे, हमने सुना है कि आप ये जब भी आउट ऑफ इंडिया जाते हो या जब भी आपको कोई गाना गाने के लिए बोलता है तो आप ये गाने से शुरू करते हो। मैं गाता हूं तब आप नहीं ना सामने होते। मेरा क्या भाई, मेरा ना मेरा सुरबुर का मामला ऐसा ही है। अरे बहुत अच्छा गाते हो, हमें पसंद है। ये लास्ट बार जो हम लोग मिले थे तब भी ये बात हो चुकी है अपनी। तो आपने तब तो ये भी बोला था कि मैं आपसे गाना तो करना है अभी भी। अरे मैं कोशिश करता हूँ। ओके इनका गाना इनके सामने बैठ के नहीं गाऊंगा मैं ऐसे ही। अजय भाई एक बार आपकी और रूदारी रूदारी सर इंप्रोवाइज करके। आ,
अभी मुझ में कई बाकी थोड़ी सी है जिंदगी चली धड़कन नहीं जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी कुछ ऐसी चुभन इस लम्हे में है ये लम्हा कहाँ था मेरा क्या बात है थैंक यू भाई थैंक यू सो मच कपिल पता है हम लोग जब कंपोज करते हैं ना हम लोग जब गाना करते हैं ना तो नॉर्मली हमारे म्यूजिक डायरेक्टर की बात चलती है ये गाना किससे गवाया जाए हमारी ये बात चलती है कि पहले तू कौन सा गा या तू कौन सा नहीं गाए नागराज सर एक बात आपसे पूछनी है मुझे इन तीनों लड़कों की जो दोस्ती दिखाई है और तीनों जो है परसिया तो प्यार करता है उससे दोनों दोस्त एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार है इनकी दोस्ती आपने करवाई थी पहले पहले कहाँ मिलाया था इनको पहले सबसे पहले ये मेरे घर में ही सब लोग जब शूट से पहले आए थे अच्छा लगभग 2 महीने पहले एक साथ हम रहे और इनका जब ट्यूनिंग बहुत अच्छा वहाँ पे हो रहा था हालांकि एक दूसरे से दुश्मनी भी करते थे झगड़ा अच्छा। भी होता था और खास करके रिंकू और तानाजी का बहुत सारा झगड़ा होता था तानाजी किस लिए लड़ते थे आप इनसे नाचने की एक्टिंग करता हूँ उसके सामने कैसे करके बताओ थोड़ी सी मैं ऐसा थोड़ी नाचती हूँ सर आपकी फिल्म के इतने सारे फैंस हैं यहाँ पे ये सब आपसे बातें करना चाहते हैं आप लोग जो भी आपके मन में सवाल है पूछ सकते हैं जी सबसे पहले कौन जी मैडम हाय एवरीवन हाय मेरा क्वेश्चन आकाश के लिए है आकाश मेरा तो खूब क्यूट वाटतो मुझे भी समझा दो क्या बोल रही हो कपिल एक्चुअली मैंने कहा कि मुझे वो बहुत क्यूट लगता है आकाश तो क्या अंदर झुंझुनी सी होती है ऐसे क्योंकि सडनली ऐसे क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए लोगों ने तो क्या फील हो क्या अभी कैसा फील कर रहे हो आकाश अंदर से नाच रहे हो अभी मैं अंदर से नाच रहे हो जी तो आज क्या सवाल तो क्वेश्चन ऐसा है कि तुझे कौन गर्लफ्रेंड आए का आपकी कोई गर्लफ्रेंड है ये तो मुझे समझ लग गया जो शरारती नौटी चीजें होती ना ये भाषा इसमें बैरियर है ही नहीं मैं सब समझ में आता तो जी आपकी शादी नहीं हुई अभी नहीं हुई तो आप क्या सैराट की वेट कर रही थी तो भाई रिश्ते आने शुरू हो गए अभी से शर्मा गया वो तो आप अभी हाँ सुन के बैठेंगी क्या कैसा मतलब सर आपने सलाह क्या दिया कि आई विल कॉल यू सर आपको बोलना चाहिए बच्चा यानी छोटा बच्चा ये मैं बड़ा हूँ तजुर्बा लाऊं आई विल कॉल यू लेटर नहीं नहीं आप ये सच्ची में सलाह दे रहे हैं कि आप अपनी भड़ास निकाल रहे हैं मुझे नहीं बोला तो मैं ऐसे सर बड़ा नहीं निकाल रहा हूँ मैं एंजॉय कर रहा हूँ अच्छी बात है फिर से एंजॉय कर रहा हूँ एंजॉय करना चाहिए कितने साल एंजॉय कर चुके हैं अभी तक मतलब मरते दम तक एंजॉय करना चाहिए सर यही स्पिरिट चाहिए सर क्या बात है कपिल कपिल द ग्रेट मरते दम तक ओके वेरी गुड सर कॉल आएगा थैंक यू क्या क्या नाम है सर आपका सर मेरा जगदीश पंजाबी तो सर जगदीश पंजाबी क्यों लगाते हैं पंजाबी मतलब ये सरनेम पंजाबी सरनेम है सर पंजाबी सरनेम होता है सरनेम होता है सर सिंधियों की सरनेम होती है पंजाबी हाँ सिंधियों का सरनेम पंजाबी हाँ और पंजाबियों का तो पंजाबियों का संधू हाँ संधू होते हैं सीरियसली यही तो यही तो यही तो इंडिया का मजा है सर इंडिया में काफी मजे लिए लगते हैं चलिए
बहुत आई लव सिंधी पीपल. ओके सर, आई लव पंजाबी पीपल. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. और कोई मेरे दोस्त? हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम दिल्ली. यहाँ पे मुझे सारे बहुत अच्छे लगे, पर मुझे ताना जी यहाँ पे इस मूवी में बहुत क्यूट लगे. तो मैं चाहती हूँ कि ये मुझे बॉलीवुड स्टाइल में प्रपोज करके दिखाएं. ये है शरारती, करेगा पक्का. कम कम आप ऊपर आइए जी. और कोई मेरे दोस्त? यस प्लीज. हाय एवरीवन, माय नेम इज किरण एंड आई एम फ्रॉम मुंबई. एंड मेरा सवाल रिंकू मैम से है. जी, आपने मूवी में तो अक्षय को बड़े कॉन्फिडेंशली आई लव यू बोला था. आकाश को. आकाश को, सॉरी. तो ऐसा है कि मैं भी किसी को लाइक करती हूँ, पर मैं उसको बोलने में हिचकिचाती हूँ. तो क्या मुझे सिखा सकती है कि कैसे कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए? कैन आई जॉइन? आपके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? वो यहीं पे है, मैं उसे कहूंगी. इट्स फर्स्ट टाइम. काय वक्त अर्चे मला तुला आवडत. मला पण तो आवडतो. काय मराठीत सांगितलं कळत नाही, इंग्लिश मध्ये सांगू. आय लव यू. ठीक है, अब मैं जिसको लाइक करती हूँ मैं उसे कहूंगी. हाँ क्या? ओ मेरी बात सुनो पहले. कपिल, आई लव यू. हाउ स्वीट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, यू आर सो स्वीट. थैंक यू जी. जी और कोई मेरे दोस्त? हाँ जी. हेलो एवरीवन. हेलो जी. मेरा क्वेश्चन अजय अतुल जी से है. जी. इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग गाए हैं. हाँ. लेकिन ये ऐसा कोई सॉन्ग कंपोज कर सकते हैं जिससे कि मेरे हस्बैंड उठ के घर का काम करने लगे? ऐसा कोई गाना होता है भाई? नहीं. कोई ऐसा राग होता है? नहीं. ऐसा गाना अगर हम लोग बनाएंगे तो हमारे घर पे वो गाना नहीं चलेगा. तो वो गाना हम लोगों ने बचा के रखा है, वो अभी नहीं बनाएंगे. उनको झिंगाट सुना तो, उनको झिंगाट गाना सुना तो शायद वो कुछ हिले. बड़े वाले एक घड़ा होता है ना पानी वाला, उसमें स्पीकर डाल के ना तो वो बड़ी आवाज करता है. बिल्कुल. उनके बिस्तर के नीचे कर दो झिंगाट. फिर देखना कैसे उठ के नाचते हैं. और कोई मेरे दोस्त? यस. मेरा सवाल रिंकू जी से है कि आपने जब भी ऑडिशन दिया तभी आपने डांस करके बताया था, लाइक यू लाइक डांसिंग. तो आपने अप्सरा आली पे डांस किया था. मुझे वो अप्सरा आली पे आपका डांस देखना है अभी. ताना जी साथ देने को तैयार है. अभी देखो उनका दिल तो नहीं तोड़ सकती ना. इसके साथ करती हूं. इसके ताना जी तो साथ में आ ही रहा, उसने मुझे पहले कह दिया था. शुक्रिया मैम. ओह माय गॉड, मेरे फेवरेट गेस्ट आए हुए. हाय. हेलो अतुल जी. हेलो. हाय रिंकू. हाय आकाश. हेलो नागराज जी. हेलो. हेलो. हाय. ऐसे दिखा रही जैसे इसे पता नहीं था आ रहे हैं. ये ना एक्चुअली मेरे बहाने गेस्ट को मिलने आती है. तुम सब मन को पता है. नहीं, तुम गलत समझ रहे हो कप्पू. मैं तो गेस्ट के बहाने तुमसे मिलने आ जाती हूँ. अरे सच बोल रही हूँ मैं. पता है रिंकू और आकाश, कप्पू और मेरी लव स्टोरी भी ना बिल्कुल तुम्हारी फिल्म जैसी है. बिल्कुल. किस तरीके से? मतलब वो फिल्म में विधायक की बेटी है, ये नालायक की बेटी है. साल की उम्र में इन्होंने भाग के शादी कर ली और एक तुम 28 साल के हो गए फिर भी शादी से भाग रहे हो. तुम सीखो कुछ उनसे. 15 साल की बच्ची कुएं में छलांग लगा रही, ये बाल्टी में डूब जाती है सर. तुम सीखो ना. आओ बैठो इधर. आओ आओ. अरे साड़ी पहन के आ गई, अपने आप को मराठी लड़की बना रही. बैठ. हाँ तो क्या पता इसी बहाने मुझे भी कोई मराठी फिल्म मिल जाए. है ना अच्छे पहले कोई पंजाबी फिल्म की. मैंने इनकी फिल्म देखी, इन्हें खाना बनाना नहीं आता, मुझे आता है. और आज मैंने खास तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाया है, बैंगन की पूरन पोली. क्या? कहाँ बैंगन की पूरन पोली बनती है? आप हैरान ना हो, ये इनके बन जाता है. एक्चुअली जो चीज़ सस्ती हो जाती ना, ये सारी चीज़ें अभी पिछले महीने टिंडे सस्ते हुए, इन्होंने टिंडे का शरबत, टिंडे की लस्सी, टिंडे की चपातियाँ. तभी थोड़ी मुँह टिंडे जैसा हुआ इसका, देखो ध्यान. हा हा हा.
मजा आ गया। गर्मी में पसीने से नहाने का मजा ही अलग है। अरे नाइस। पापा। छेड़े लाल, तुम मेरी बेटी को छेड़ रहे हो, हमेशा तुम्हारा काम है। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, चले अंदर। आसपास नजर नहीं आनी चाहिए मुझे तुम। मैं कह रहा हूँ चल अंदर, आ चल चल अंदर, चल 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 अंदर। Myself, Dr. Mr. Gulati. ये हमारे बहुत ही disrespected डॉक्टर है। डॉक्टर साहब खड़े क्यों, बैठिए इधर। बात करिए, हमारे गेस्ट आए हैं। ऐसे कौन इज्जत देता है भाई, बात कर रहे। कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतने लोग बैठे हुए हैं, तुमने मेरी सारे इंसल्ट करा दे। कोई इंसल्ट नहीं कराई, हमारे मोहल्ले के बहुत प्यारे डॉक्टर हैं। मुझे आप दोनों को देख के ना अपनी जवानी के दिन याद आ गए। मैं भी घर से भागा था, मैंने भाग के शादी वगैरह की थी। डॉक्टर साहब वो उनका चक्कर और है, वो प्यार करते थे इसलिए भागे थे। आप और आपकी बीवी तो सामान लेके भागे थे ना गांव वालों का, आपका डिफरेंट है। आपको पता है थाने में कम से कम 20 दिन छुप के रहे थे हम। थाने में छुपे नहीं थे, अरेस्ट हुए थे आप। उसमें मार भी पड़ते हैं, उल्टा लटका के मारते हैं। हाँ तो फिर अरेस्ट हुए थे, ठीक। अजय जी, अतुल जी, आपको पता है मेरा सिंगिंग लाइन में, म्यूजिक एंड ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट था बहुत ज्यादा। मैं ना पर्सनली जाके लोगों के कान में गाना डिलीवर करता था और मेरी पेमेंट होती थी। कान में कैसे गाना? ये सर ट्रेन में भीख मांगते थे यार। अभी आप इनकी शर्ट खोल के देखेंगे ना, इधर हारमोनियम का निशान बना हुआ है। बताओ उनको ऐसे ही हारमोनियम का, हारमोनियम मुझे कभी बजा ही नहीं सका। वो तो मैं दूसरा इंस्ट्रूमेंट बजाता था, वो क्या कहते हैं उसको अपना, मैं एक मिनट में, ढोलक नहीं, ढोलक नहीं, वो जो होता है, चलो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। हाँ ये वाला इंस्ट्रूमेंट। अच्छा। ये बजाता था मैं ऐसे करके ट्रेन में तो। एग्जैक्टली मेरी मास्टरी है। एक कॉम्पोजिशन बनाई है कल रात को आपने, अभी सुनाने चाहूँगा। आप चाहें तो अपनी आने वाली फिल्मों में यूज कर सकते हैं, मैं जो भी होगा हम लोग तय कर लेंगे। अच्छा, इनको इनको सुर ना देना, ये डिस्टर्ब होते हैं। एक कभी भी आर्टिस्ट को बीच में ट्रबल नहीं करना। अच्छा ठीक है, आप लोगों की इजाजत हो? बिल्कुल। हालांकि मेरा प्रोफेशन नहीं है बट एक आर्टिस्ट दिल है। चलो सुर दे दिया उसने, पैंपो चल। तरीकी चौक रो आयो रे बन के मारो मेहमान, तरीकी चौक रो आयो रे बन के मारो मेहमान। तरीकी चौक रो आयो रे बन के मारो मेहमान, इधर आइए। गाना बहुत अच्छा था। थैंक यू। नहीं थैंक यू नहीं, ये इन्हीं का गाना है, बहुत साल पहले आ चुका है ये फिल्म। पीके में इन्होंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं ये। अच्छा तभी मैं कहूँ मुझे इतनी जल्दी कॉम्पोजिशन कैसे बन गई। मैं तो चाहता था कि म्यूजिक डायरेक्टर बनूं, बट मेरी वाइफ की दूसरी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। आपकी वाइफ की दूसरी इच्छा? हाँ जी। पहली इच्छा कौन थी? वो तो अभी गई है ना सरला, वही इसकी पहली इच्छा थी। अब बोल रहे मेरी बीवी की पहली इच्छा थी ये इच्छा। आपकी बीवी कभी दिखी तो है नहीं मुझे, है कहाँ वो? वो तो अपना दवाई लेने गई थी मेरे कंपाउंडर के साथ। अच्छा। लौटी नहीं, 20 साल हो गए। बस दवाई की चिंता नहीं, दवाई मैंने मंगा ली थी बाद में। बीवी की कोई चिंता नहीं है। बट एनीवे, आप दोनों में नेचुरल एक्टिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी एक्टिंग की आपने भी, दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। बट एज अ डॉक्टर मैं आपका स्किन टेस्ट करना चाहूँगा। अब मुँह से निकल गया, सॉरी, स्क्रीन टेस्ट। प्लीज़ स्टैंड में हो जाएं आप। थैंक यू सो मच।
for the allopathy of the homeopathy. Come here. Yeah, you come here. आँख खोलो. ओके, मैं आप दोनों को एक आपके तो पहले बहुत ज्यादा खुली हुई है. मैं आप दोनों को एक स्टोरी सुनाऊंगा. क्या आप लोग इन्हें देख पा रहे हैं? हाँ. आपकी आंखें ठीक है? आपका आंख आई टेस्ट हो गया? आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल. आप देख पा रहे हैं? झूठ बोल रहा है, मेरे को नहीं पता पीछे बैठ के कैसे देख पाएगा तू. इज जस्ट बीइंग नाइस. तो ठीक है, मैं आप दोनों का टेस्ट करता हूँ. आर यू रेडी? ओके. कहानी में जैसे जैसे मैं बोलूंगा आप लोगों को उसकी इनैक्टमेंट करनी है. सुहागरात का सीन चल रहा है. कोई बात नहीं, सीन है. अपना थोड़ा सुहागरात का सीन चल रहा है तो लाइटिंग ऐसे ऐसे होती है थोड़ी थोड़ी. सुहागरात का सीन चल रहा है. बरसात नहीं गिर रही जो आप ऐसे कड़क कड़क कर रहे हो. घूंघट उठाने से पहले सुहागरात का सीन चल रहा है. इतने में गुंडे आ जाते हैं. फेस पे लाओ, गुंडे आ गए, गुंडे आ गए. उनको हंसी आ रही है. सर्कस के जोकर नहीं आए हैं, गुंडे आए हैं. थोड़ा सा ऐसा डरना है. स्टोरी तो सुनाओ उनको आगे, कैसे फिर क्या होता है? एक गुंडे आ जाते हैं. भाई स्टोरी फिर यही है. स्टोरी यही है. ऐसे घुंघट उठाने जा रहे हैं. घुंघट उठाने जाओ यार. माता ही है. साबिर से यार, वहाँ पे इतना रोमांटिक माहौल बना हुआ है. हाँ जी, तो आप घूंघट उठा रहे हैं, साथ साथ एक्टिंग करते रहिए आप. हैं, चल लव कर, लव कर. चल भी, अभी चल रहा है सीन. गुंडे आ गए. हमारा मामा नहीं आया, डर गया ऐसे. गुंडे आ गए. आवाज से डर गए. गुंडे आ गए. गुंडे आ गए. फिर आपको देखकर आपने ठीक किया. उनको लगा हम पकड़े गए. ऐसा ये क्या स्टोरी है? कैसे एक्टिंग करेगा कोई? ये मैंने 1953 में लिखी थी. तभी मैं कहूँ इसके ऊपर पिक्चर क्यों नहीं बनी अभी तक. You have in a Bollywood angle and God bless and the best of luck. English का तुम लग. एक बार पूरी सराहत टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए. So, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ. आप सब हमारे शो में आए और बहुत मजा आया. अजय भाई, अतुल भाई, सारी टीम, नागराज सर, थैंक यू सो मच. और ढेर सारी शुभकामनाएं. अभी ये फिल्म जो है अभी सिनेमाघरों में लगी रहेगी. जितना लोग इसे प्यार दे रहे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जरूर देखने जाइए. और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो.